अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ अतीक अहमद। तो मेरी अभी की जो वीडियो है ये निमरा काज़मी केस के ऊपर है। जैसा कि आपको पता है कि वो जो लड़की है अपने घर चले गई है, तो बात सामने ये आई है कि जैसे जो उसका शोहर है उसने उसको मारा है, तशद्दुद किया उसके ऊपर, फिर उसके बाद वो कोर्ट चले गई है, कोर्ट के बाद फिर अपने घर चले गई है। अब इस सारे केस को लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पर बता रहे हैं, कुछ सहाफ़ी हज़रात बता रहे हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ है। तो अब इस सारी बातों के बाद एक और मामला जो है, जो पीछे सारा कुछ चल रहा है मामला, लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोगों को बताया नहीं जा रहा, लेकिन अंदर खाते सब कुछ हो रहा है पीछे। मैं आपके साथ ये खबर ब्रेक करने लगा अभी। तो मेरे ज़राए ने मुझे बताया है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो निमरा काज़मी है इसको लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अप्रोच कर रहे हैं, कुछ सहाफ़ी हज़रात हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इसको अप्रोच कर रहे हैं, इसको कन्विंस कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये इंटरव्यू दे। और जो इसने इंटरव्यू पहले दिया था जो काजमी साहब की बेटी है उसके बारे में, तो उसकी तरदीद करे। जो भी बातें उसने कही थी वो ये कहा जाए कि मैंने दबाव में कही थी, मुझे कहा गया था मेरे शोहर की तरफ से या जिसने भी इसको कहा था कि ऐसे कहो तो मैंने कह दी थी। अब इस तरह की सूरत हाल बनने लगी है। जैसा कि आपको पता है कि निमरा काजमी जो है, जो दूसरी बच्ची है काजमी साहब की, उसके साथ शेल्टर होम में रही थी। उसके बाद उसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद अब जब वो अलग हो गई है तो उसको लोग एक्सेस कर रहे हैं, उसके साथ मुबैना तौर पे रबते में भी कुछ लोग हैं जो उसको इस चीज़ पे कन्विंस कर रहे हैं कि तुम इंटरव्यू दो, मंजरेआम पे आओ और बताओ कि जो तुमने बातें कही थी उसकी तरदीद करो और बताओ कि क्या क्या मामला हुए हैं, दुआ ने क्या कहा है, इस तरह की बातें होंगी और जो सारी बातें पहले कही गई हैं उसकी तरदीद की जाएगी। तो ये मुझे ज़राए ने कन्फर्म किया है, उन्होंने बताया है कि ऐसा होने वाला है कि अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो लड़की एकदम से सामने आएगी, वो कुछ यूट्यूबर्स को, कुछ सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ देगी और उसमें वो इस तरह की बातें करेगी। अब इस वीडियो को देखने के बाद, जबकि मैंने उनका बांडा फोड़ दिया है, जो लोग ये काम करने वाले थे, अब वो ऐसा ना करें तो अलग बात है, लेकिन अभी की इन्फॉर्मेशन यही है कि उसके साथ यही बातें हो रही हैं कि तुम काजमी साहब की बेटी के बारे में इंटरव्यू दो, वहाँ बताओ आके कि ऐसे ऐसे मामलात हुए हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त जो भी हो वो अच्छा हो, ना कि हम झूठे प्रोपेगंडे करें, साजिशें करें। तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।